यस सर, वेलकम टू दी अनदर क्वेश्चन एंड डिस्कशन DTAA, इंटरनेशनल टैक्स का क्वेश्चन एंड डिस्कशन भी मैंने दूंगा। मैंने आपसे कहा था अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। मेरे घर पे कोरोना सिचुएशन होने के बावजूद भी मुझे समझता है कि वो मेरा एक परिवार है, तो ये भी एक मेरा परिवार है जिसके लिए मुझे ये करना जरूरी है। तो जैसा जो जितना टाइम मिल रहा है मैं 100% अपना देते जा रहा हूँ, चाहे वो इंटर का मैराथन हो, फाइनल का रिविजन हो, फाइनल का क्वेश्चन एंड डिस्कशन हो, जो है कंटिन्यूस मैं आप लोगों को देते जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम्स है। और मुझे पता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सच में टाइम नहीं है और वो फटाफट क्विक रिविजन करना चाहते हैं, राइट। मैंने ऑलरेडी पूरा CA फाइनल का डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्स का रिवीजन डाल दिया, तो प्लीज एक बार जाकर के वो देख लेना। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ABC एनालिसिस मैंने डाल दिया है, पूरा का पूरा RTP डिस्कशन मैंने डाल दिया है CA फाइनल का, एंड ABC एनालिसिस भी मैंने डाल दिया है। तो प्लीज जाकर के देखिए, और आइए स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चन एंड डिस्कशन ऑफ DTAA। DTAA के क्वेश्चन एंड डिस्कशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जामिन द करेक्टनेस और द अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। द DTAA ट्रीटी एंटर्ड बाय गवर्नमेंट ओवरराइड्स द डोमेस्टिक लॉ। क्या DTAA डोमेस्टिक लॉ को ओवरराइड करता है? आंसर इज यस। सेक्शन 90 इसका पावर देता है, सेक्शन 90 इसका पावर देता है कि भैया ये जो DTAA बना है ये ओवरराइड करता है लॉ को, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई DTAA और द एक्ट विच एवर इज द मोर बेनिफिशियल टू SSE, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू SSE। तो दिस इज ऑब्वियस पॉइंट दैट यस इट ओवरराइड्स। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एज पर सेक्शन 90 प्रोवाइड दैट वेयर अ डबल टैक्सेशन ट्रिटी इज एंटर्ड इन टू बाय गवर्नमेंट, द प्रोविजन्स ऑफ इनकम टैक्स वुड अप्लाई टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू SSE, राइट। इन केस एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट एंड इनकम टैक्स एक्ट, द प्रोविजन ऑफ DTAA वुड प्रिवेल ओवर द एक्ट इन व्यू ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ 90 सबसेक्शन 2 टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू इट। CIT वर्सेस PVAL कुंदनगन चेट्टियार, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कोई अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर देता है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आप लेंगे सर एज अ होमवर्क, ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पे इंपॉर्टेंस बताता है, तो आप लेंगे इसको होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आइए। एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हैविंग एन इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया इन अ कंट्री विथ विच इंडिया हैव नो अग्रीमेंट आस्क यू टू एग्जामिन वेदर द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन द फॉरन इनकम विल बी अलाउड अगेंस्ट द इनकम टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया। याद होगा तो ये सेक्शन 91 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 91 बताता है अगर दूसरी कंट्री के साथ हमारा DTAA नहीं भी है, अगर दूसरी कंट्री के साथ हमारा DTAA नहीं भी है, एंड इफ अ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया, तो हम उसको क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं किसका, लोअर ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया और एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन। येस और नो, सो चेक कीजिएगा। इसका ऊपर मैक्सिमम टाइम पे प्रॉब्लम पूछा जाता है, बट थ्योरी भी पूछी जा सकती है, तो थ्योरी का आंसर इस तरह से लिखना है। सो असेसी इज अ रेसिडेंट इन इंडिया एंड अकॉर्डिंगली द इनकम अक्रूइंग एंड अराइजिंग टू हिम ग्लोबली इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। हाउ एवर सेक्शन 91 स्पेसिफाइड दैट इफ अ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड हैज पेड टैक्स इन एनी कंट्री विथ विच नो अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 एग्जिस्ट, देन फॉर द पर्पज ऑफ द रिलीफ अंडर DTAA अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम इंडियन इनकम टैक्स पेबल ऑफ अ सम कैलकुलेटेड और डबली टैक्स एट इंडियन रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री विच एवर इज लोअर। इंडियन रेट और फॉरेन रेट ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर, और ये रेट भी हम लोग एवरेज रेट लेते हैं अगर आपको याद हो। इफ बोथ द रेट्स आर इक्वल एट इंडियन रेट अकॉर्डिंगली द असेसी शैल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड ऑन इनकम इन द अदर कंट्री बट शेल बी अलाउड अ डिडक्शन एज पर सेक्शन 91। हालांकि हम फॉरन टैक्स क्रेडिट का डायरेक्ट डिडक्शन नहीं देंगे, सेक्शन 91 के हिसाब से हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे इंडियन टैक्स रेट और फॉरन टैक्स रेट का जो भी एवरेज रहेगा विच एवर इज लोअर को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। आगे इसके ऊपर प्रॉब्लम भी है तो भी आपको समझ जाएगा। यस, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क लीजिए। यह आपको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन, बिल्कुल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आइए, सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आइए, सॉल्व इट। कॉस्मॉस लिमिटेड अ इंडियन कंपनी, सो इट्स अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो कवर्ड इन योर मॉड्यूल।
कॉस्मोस लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशस हैज अ ब्रांच ऑफिस इन हैदराबाद, मतलब पीई है इंडिया में, हैज अ ब्रांच ऑफिस इन हैदराबाद ओपन इन अप्रैल 2020. द इंडियन ब्रांच हैज फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 डिस्क्लोजिंग एन इनकम ऑफ 50 लाख रुपीज. इट पेड द टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी 30% प्लस अ सेस ऑफ 4%. ऑन दिस बेसिस पैरा 2 ऑफ आर्टिकल 24 ऑफ DTAA बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस विच इज रीड एज अंडर द टैक्स ऑन पी विच एन एंटरप्राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल नॉट बी लेस फेवरेबल लेविड इन दैट अदर स्टेट देन टैक्सेशन लेविड. हाउएवर द असेसिंग ऑफिसर कंप्यूटेड द टैक्स ऑन इंडियन ब्रांच एट द रेट ऑफ 40% प्लस एजुकेशन सेस 4%. इज द एक्शन ऑफ एओ करेक्ट इन लॉ? आपको ये बात मैंने DTAA पढ़ते वक्त बताई थी कि मैंने आपको बताया था कि जनरली हम वो प्रोविजन फॉलो करते हैं कि बॉस एक्ट और DTAA विच एवर इज लोअर, हमें ये लेना पड़ता है विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, हमें ये लेना पड़ता है. हालांकि अगर फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट हायर होगा तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लेस फेवरेबल. ये उसी पे क्वेश्चन है, बताइए फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट, उनने फॉरेन ब्रांच के ऊपर टैक्स रेट जो लगाया ये लगाया 40% के हिसाब से, क्या ये लेस फेवरेबल माना जाएगा? आंसर इज नो. हायर टैक्स रेट फॉर अ फॉरेन कंपनी विल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल. सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, राइट? सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इन टू एन अग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस मे बी, देन इट शैल अप्लाई टू द एक्सटेंट मोर बेनिफिशियल टू असेसी. देखा पहला लाइन वही लिखना पड़ा, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी. दस इन व्यू ऑफ पैरा 2 ऑफ आर्टिकल 224 it appears that Indian branch is liable to tax at the rate of 30%, which is lower the tax rate applicable to foreign company. However, explanation 1 to section 90 clarifies that the charge of tax in respect of foreign company at a rate higher than the rate of domestic company shall not be regarded as less favorable charge or levy of tax. Therefore, in view of this, the action of AO is in accordance with law. The action of AO is in accordance with law. Mark this question as important. Kafi behtareen question. Aate hain next question. Question number 6 ke upar. It's a practical question. क्या करेगा ये, हमें निकालने को बोलेगा. क्या निकालने को बोलेगा? DTAA का बेनिफिट निकालने को बोलेगा. रुपेश कुमार अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इज अ म्यूजिशियन डिराइविंग 7,50,000 फ्रॉम अ कंसर्ट परफॉर्म आउटसाइड इंडिया. फॉरेन इनकम 7,50,000. टैक्स ऑफ 1 लाख वॉज डिडक्टेड इन दैट इन द कंट्री वेयर द कंसेप्ट वॉज परफॉर्म. 1 लाख रुपए वहां पे टैक्स डिडक्ट भी हुआ, ठीक है. इंडिया डज नॉट हैव DTAA, मतलब सेक्शन 91 अप्लाई करना पड़ेगा. जब भी सेक्शन 91 अप्लाई करना पड़ता है, चलो याद करो हमें क्या क्या करना पड़ता है. हमें इंडियन इनकम फॉरन इनकम को मिलाना पड़ता है, राइट? इसमें से कुछ डिडक्शन वगैरह होंगे वो माइनस करना पड़ता है. नेट इनकम पे हमें इंडियन रेट से क्या करना पड़ता है, टैक्स निकालना पड़ता है. फिर एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन, फॉरेन इनकम मल्टीप्लाइड बाय लोअर रेट, ये आपका रिलीफ निकल जाता है. वही करना है यहाँ पे. इंडिया डज नॉट हैव DTAA, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. डज नॉट हैव DTAA विद दैट कंट्री. His income in India amounted to 30 lakh rupees. 30 lakh rupees Indian income बन गई, यानी total income step 1 30 + 7.5 37.5 हो जाएगा. Assuming he has deposited 1.50 in the public deposit and medical premium paid for his father who is resident senior citizen, senior citizen के लिए 52. याद रखना जब भी DTAA आता है ना, कुछ डिडक्शन वाले टॉपिक आपको याद रखने होते हैं. कौन कौन से मैं आपको बताऊँ? ATC, ATD, ATTTA, ATU, ATDD, DDB, ये सारे सेक्शन जो है ये आपको याद रखने होते हैं. अब यहाँ पे ATC और ATD के बारे में पूछा है, कैसे करेंगे? सबसे पहले इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम को जोड़ देंगे, इसमें से 1,50,000 ATC में माइनस करेंगे, 50,000 ATD में माइनस करेंगे. याद आ रहा है आपको? सीनियर सिटीजन के लिए ATD की लिमिट 50,000 है. सो स्टेप 1 मिलाया हमने, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों बन गए 37.50. इसमें से दोनों डिडक्शन माइनस किया, ये 50 पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा,
वाई? बिकॉज असेसी इज अ सीनियर सिटीजन. तो 2 लाख रुपए माइनस हुए, टोटल इनकम बनी 35,50,000. अब 35,50,000 के ऊपर टैक्स निकालो, अज्यूमिंग ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC. अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हमें दोनों तरफ से कैलकुलेशन कर लेने होते, यस और नो. और अगर वैसा करते तो फिर हम लोग क्या नहीं मिलता बेटा, ये जो डिडक्शन है दोनों भी ये नहीं मिलते, क्योंकि 115 BAC में तीन ही डिडक्शन अलाउड है, 80 CCD सबसेक्शन 2, 80 JJAA और 80 LA, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है. नॉर्मल व्यक्ति लग रहा है तो टैक्स निकालेंगे 35,50,000, इसमें पहले 10 लाख तक का टैक्स 1,12,500, बचे हुए पे 30% प्लस 1,12,500, टोटल कम्स टू 8,77,500. बराबर है? क्या सरचार्ज लगने वाला है? नहीं लगेगा सर. सेस लगाना है? बिल्कुल लगाएंगे सर, सेस लगाइए 4% के हिसाब से. आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आया 9,12,600 रुपीज़. अब एवरेज रेट निकालो. एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल इनकम इंटू 100. सो 9,12,600 डिवाइडेड बाई 35,50,000, परसेंटेज निकालोगे तो ये आएगा 25.70%. ये हो गया इंडियन रेट. ये क्या हो गया बेटा? इंडियन रेट. इसको इससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, रेट निकल जाएगा इंडियन रेट. अब फॉरेन रेट कैसे निकालोगे? अब देखो, फॉरेन रेट आपको प्रॉब्लम में दिया नहीं है, पर बहुत ईजी आप निकाल सकते हो. 1 लाख रुपये वहाँ पर टैक्स दिया हुआ है और 7,50,000 आपकी इनकम है, राइट? टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम इनटू 100, ये आपका फॉरेन रेट निकल जाएगा 13.33%. अब दोनों में से लोअर क्या है? 13.33%. सो 13.33 इंटू 7,50,000, ये रिलीफ मिल जाएगा. ये रिलीफ आया 1 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा, और आपका टैक्स आया 8,12,600. यस, चेक करो मालिक. बहुत ही इजी क्वेश्चन. वैसे भी DTAA के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते हैं, याद रखना. If it is done, beta. चलो जी. So it was a very good question, easy one. Question number 7, do it as homework. Section 90 पे based है. Question number 8 के ऊपर आओ. क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आओ. अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. कंप्यूट करना है टैक्स पेबल, ठीक है सर? कसम खा लो, जब भी देखोगे सबसे पहले नीचे देखोगे, क्योंकि प्रॉब्लम में करना क्या है पहले वो समझ लो. मिस्टर एस इज अ म्यूजिशियन रेसिडेंट इन इंडिया, हैज अ टोटल इनकम फॉर द ईयर एंडेड इज एज अंडर. म्यूजिक परफॉर्मड इन इंडिया 5 लाख. इनकम फ्रॉम कंट्री ए विथ विच इंडिया डज नॉट हैव अ DTAA 5 लाख. Tax deducted at the rate of 20%. Country B, during the January, July and January 21. ठीक है सर. Tax withheld is 10%. ठीक है सर. Country B follows calendar year for its tax purpose. India has entered into DTAA with country B. भाई साहब, दो अलग अलग calculation दिए हमको. हमारी मल्टीपल कंट्री से इनकम आ रही है, एक कंट्री के साथ हमारा DTAA है जबकि दूसरी कंट्री के साथ हमारा DTAA नहीं है. रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी इन चेन्नई, कंट्रीब्यूशन टू PPF इज गिवन, टैक्स पेबल हमें क्या करना होगा? निकालना होगा. सो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सबसे पहले अगर हम देखा जाए, रेंट इज 30,000 पर मंथ. अगर 30,000 पर मंथ के हिसाब से देखा जाए, मतलब सबसे पहले हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना होगा. टोटल इनकम आएगी 3,60,000 रुपीज़. बराबर है? इस 3,60,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करेंगे, राइट? से यस, तो आपकी HP इनकम आ जाएगी 2,52,000. सबसे पहले ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. सो आपका HP इनकम आ जाएगा मालिक 2,52,000 रुपीज़. फिर आएंगे बेटा PGBP इनकम पे. PGBP इनकम वापस चल के देखते हैं.
इंडिया में परफॉर्म किया 5 लाख रुपीज़ आए, कंट्री ए में परफॉर्म किया 5 लाख रुपीज़ आए और कंट्री बी में परफॉर्म किया 3 लाख रुपीज़ आए। ठीक है, समझेंगे इस बात को भी। 3 लाख प्लस इधर के 1 लाख, टोटल 4 लाख। ये जनवरी 2020 का है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो इंडिया में परफॉर्म किया, कंट्री ए में परफॉर्म किया, कंट्री बी में परफॉर्म किया, ये टोटल इनकम हो गई 14 लाख रुपीज़। एक तो जनवरी 2020 का था, हमको प्रीवियस ईयर का निकालना है तो वो तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, येस और नो? और कोई इनकम दी है क्या? चलो ऊपर चल के देखते हैं। और कोई इनकम नहीं दी हुई है, इतनी ही इनकम दी है। जनवरी 2020 हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? इतनी ही इनकम दी हुई है, ये एक इनकम दी हुई थी, इसको भी हमने कंसिडर कर लिया। आई थिंक ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग निकाल सकते हैं। सो निकलेगी बेटा ग्रॉस टोटल इनकम 14 लाख प्लस 2 लाख 52,000, 16 लाख 52,000 आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन ले लेंगे 1 लाख 50,000 का, आ जाएगा आपका टोटल इनकम 15 लाख 2,000, राइट? अच्छा जी, अब क्या करेंगे सर? सबसे पहले टैक्स पेबल निकालेंगे, टैक्स पेबल निकालेंगे। सो 15 लाख 2,000 में से पहले 10 लाख तक का टैक्स हमें पता होता है, बैलेंस पे 30%, आपका टोटल आया 263,100 एज पर द नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन। इसमें 4% का सेस भी ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल टैक्स पेबल आया 2,73,624, बराबर। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया निकालना पड़ेगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया कैसे निकालेंगे आप बताओ? 2,73,624 डिवाइडेड बाई 15,02,000 इंटू 100%, दिस कम्स टू 18.21%। यस, फॉरेन में आपका क्या रेट आया है, फॉरेन में आपका क्या रेट आया है, इस बात को भी हमें क्या करना होगा, कंसिडर करके चलना होगा। सो फॉरेन टैक्स क्रेडिट फॉर कंट्री ए विथ विच इंडिया डज नॉट हैव अ डी टी डब्ल ए, जिनके साथ हमारा डी टी डब्ल ए नहीं है, स्ट्रेट अवे 20% फॉरेन रेट। जिनके साथ हमारा डी टी डब्ल ए नहीं है, वहां का फॉरेन रेट कितने पे किया हमने? 20% पे, विथ विच डज नॉट हैव डी टी डब्ल ए, विच एवर इज लोअर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो फॉरेन इनकम 5 लाख इंटू 18.217, दिस कम्स टू 9 लाख, सॉरी 91,085 और 86, 1 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। अब कंट्री बी, जिनके साथ हमारा डी टी डब्ल ए है, जिनके साथ हमारा डी टी डब्ल ए है, राइट? जिनके साथ हमारा डी टी डब्ल ए है, तो जो भी टैक्स पेबल रहेगा वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो डबली टैक्स इनकम इज 4 लाख रुपीज, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बेनिफिट विल बी अवेलेबल। सो द टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स इज 72,868 एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से, दैट इज 18.217% एवरेज रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से। और कंट्री बी में आप कितना पे करके आए होंगे? देख, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया कितना लगा तुझे? 72,868, बराबर है। फॉरेन में आप कितना पे करके आए? 10% के हिसाब से। सो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। हमें विच एवर इज लोअर का बेनिफिट मिल जाएगा, विच एवर इज लोअर का बेनिफिट मिल गया, ये आएगा टैक्स पेबल, ये आएगा टैक्स पेबल। टैक्स पेबल को राउंड ऑफ कर देंगे, टैक्स पेबल को क्या करेंगे मालिक? राउंड ऑफ कर देंगे। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक ही प्रॉब्लम के अंदर में दोनों चीजें आपको कवर कर दी, टैक्स पेबल इन इंडिया एज वेल एज टैक्स पेबल आउटसाइड इंडिया, दोनों को हमने क्या कर दिया? कंसिडर कर दिया। विद डी टी डब्ल ए, विदाउट डी टी डब्ल ए, दोनों को कंसिडर किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मे 2019 न्यू सिलेबस क्वेश्चन, मे 2019 का न्यू सिलेबस क्वेश्चन, राइट? मिस सपना,
रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैलरीड एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड विद अ प्राइवेट कंपनी एज 30 ईयर रिसीव द फॉलोइंग सम ड्यूरिंग द ईयर. बेसिक सैलरी, डीए, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस. शी कॉन्ट्रीब्यूट 25,000 टूवर्ड्स अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC. शी ऑल्सो पेड 1,75,000 बाय अकाउंट पे चेक फॉर द मेडिकल प्रीमियम टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हर फादर एज 65 ईयर्स हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हर एज अ लमसम पेमेंट फॉर 5 ईयर इंक्लूडिंग द करंट प्रीवियस ईयर. Apart from this, she also provided guest lecture to foreign university and received 7,29,000 rupees. Sorry, 7,92,000 rupees after a tax deduction. ठीक है सर. India does not have a DTAA. India के साथ DTAA नहीं है. चलो क्या करेंगे अब. सबसे पहले बेसिक सैलरी दी है. सैलरी कंप्यूट करो. 45,000 पर मंथ के हिसाब से 5,42,000. DA 10% आएगा तो 54,000. ट्रांसपोर्ट अलावेंस 8,000 पर मंथ के हिसाब से 9,600. ट्रांसपोर्ट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है. सिर्फ हैंडीकैप एम्प्लॉय को 3,200 का बेनिफिट मिलता है. मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है. तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई. ग्रॉस सैलरी में से 50,000 का डिडक्शन मिलता है. आपका सैलरी इनकम यहाँ पे 6,82,000 अराइज हो गया. बराबर है. साथ साथ में उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है. 7,29,000 इज आफ्टर TDS. हमें तो ग्रॉस लेना पड़ता है 9 लाख रुपीज. बड़ा समझदार क्वेश्चन है. उसने आफ्टर TDS वर्ड यूज कर दिया. दोनों का मिला के आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 15,82,000. इसमें से उसने अप्रूव्ड पेंशन ऑफ LIC में कंट्रीब्यूट किया है 80 CCC LIC. 25,000 का बेनिफिट ट्रिपल सी के अंदर में मिल जाएगा. साथ साथ में शी पेड 1,75,000 बाय अकाउंट पे चेक फॉर मेडिकल प्रीमियम टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर एज 65 हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हर एंड अ लमसम पेमेंट ऑफ फॉर 5 ईयर्स. लमसम पेमेंट क्या है 5 ईयर्स का. आपको ATD का एक कंसेप्ट याद होगा. अगर लमसम पेमेंट कर दिया है 5 ईयर का तो बेनिफिट को क्या कर दिया जाता है, अपोर्शन कर दिया जाता है. सो 1,75,000 विल बी डिवाइडेड इनटू 5 ईयर्स. 1,75,000 विल बी डिवाइडेड इनटू 5 ईयर्स. 35,000 ATD के अंदर में बेनिफिट मिल जाएगा और यहाँ आपका निकल जाएगा आपका टोटल इनकम. टोटल इनकम निकल गया तो प्रॉब्लम बड़ा ईजी हो जाता है. टोटल इनकम पे टैक्स निकालो. असेसी सीनियर सिटीजन है क्या, पहले ये देखो. असेसी सीनियर सिटीजन नहीं है तो 15,32,000 के ऊपर टैक्स निकालो. 10 लाख तक का टैक्स हमें पता है. बैलेंस के ऊपर 30% प्लस 1,12,500 टोटल आया भाई साहब आपका टैक्स लाइबिलिटी. चेक करना. Bring it on. Check करो. गाइज दिस स्मॉल करेक्शन. दिस 15,32,000 नहीं होना चाहिए, ये 15,22,000 होना चाहिए. आप जस्ट चेक, देर इज अ करेक्शन एरर. क्योंकि ये दोनों मिला करके 60,000 होता है तो देर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक. इट शुड बी 15,22,000 एंड टैक्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. 15,22,000 पे टैक्स निकालो. माइट भी इसीलिए बहुत लोगों का आ नहीं रहा होगा. चेक करना. 15,22,000
इस पे 10 लाख तक का टैक्स तो हमें पता है, बचे हुए पे 30% निकालो, ऐड 1,12,500 प्लस 4%, दिस कम्स टू 2,79,864। इसमें से डबली टैक्स इनकम 9 लाख रुपीज़ है। टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री कितने परसेंट है देखो जरा, टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री दिया नहीं है, पर हाँ अमाउंट दी हुई है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया निकाल लो, 279,864 डिवाइडेड बाय 15,22,000। ये देखो नीचे यहाँ प्रॉपर लिखा है, ऊपर लिखने में गड़बड़ है। 18.39 फॉरेन टैक्स रेट इज 12%, चेक कर लो सर कैसे आया 12%। बाबा 1,08,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, दोनों में से लोअर क्या है 12%, दोनों में से लोअर क्या है 12%, सो 12 इंटू 9 लाख 1,08,000 का रिलीफ मिल जाएगा, बैलेंस टैक्स पेबल आ जाएगा। चेक इट आउट, ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करेंगे। इफ इट इज डन, चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, डू इट ऑन योर सेल्फ, आप इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क, सिमिलर काइंड का प्रॉब्लम है, जल्दी से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 नवंबर 2018, न्यू सिलेबस क्वेश्चन। अल्फा इनकॉर्पोरेशन अ नॉन रेसिडेंट कंपनी हैज आईटी बेस्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट, बीपीओ सर्विसेज, डीटीडब्ल्यूए के नीचे मैंने पढ़ाया था। BPO unit in India and provide certain outsourcing services to a resident in Indian entity. Discuss the tax implication in the hands of BPO. Article 7 of DTWA provides that if foreign enterprise carrying on business in the another country through a permanent establishment, the profit may be taxed in the other country only so much as it is attributable to the PE. Article 7 provides that determining the profit of PE, there shall be allowed a deduction of expenses which are incurred in permanent establishment. So permanent establishment के related जो भी खर्चे होंगे वो भी आपको क्या किए जाते हैं, माइनस करने को मिलते हैं, राइट, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑल्सो, राइट, वेदर इनकर्ड इन द स्टेट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और एल्सवेयर। वॉट आर द एक्सपेंसेज दैट आर डिडक्टेबल वुड हैव टू बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इनकम टैक्स। आर्टिकल 7 ऑल्सो कंटेन द सेंट्रल डायरेक्टिव ऑन विच एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी इज बेस्ड। द पैराग्राफ इनकॉर्पोरेटेड अ व्यू दैट द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पी आर दोज विच दैट परमानेंट स्टैब्लिशमेंट वुड हैव बीन मेड इफ इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट हेड ऑफिस इट डील विद द एंटायर सेपरेट मार्केट। दिस करस्पॉन्ड विथ आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। सो अगर बीपीओ यूनिट है, बीपीओ का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में आ जाता है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्स हो जाएगा, उतना जितना इनकम वो बीपीओ से कमा रहा है, और ये बीपीओ की इनकम अर्न करने में उतना एक्सपेंसेस हम माइनस कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल हम लोगों ने उठाया है आर्टिकल 7 ऑफ डीटीडब्ल्यूए से। कहां से उठाया बेटा, आर्टिकल 7 ऑफ डीटीडब्ल्यूए। सो इफ बीपीओ हैज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये
If it is done, question number 12. Examine state the correctness or the otherwise of each of the following statement. एक एक स्टेटमेंट का बताना है कि भैया वो करेक्ट है या नहीं है. द डी टी डब्ल्यू ए एंटर्ड बाय गवर्नमेंट डज नॉट ओवर राइड द डोमेस्टिक लॉ. इट इज नॉट करेक्ट. 90 सबसेक्शन 2 हमें बताता है विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, हमें वो फॉलो करना पड़ता है. नवंबर 2018 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन. सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज नॉट एप्लीकेबल. इन एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ डी टी डब्ल्यू ए एंड इनकम टैक्स एक्ट, द प्रोविजन ऑफ डी टी डब्ल्यू ए विल प्रिवेल in view of section 92 to the extent they are more beneficial to SSE. DTAA shall override the domestic law if DTAA are beneficial. However, GAR will have an overriding effect over DTAA even when such DTAA is more beneficial if the intention is to avoid the tax. Rakesh is a resident in India during the previous year ended 31st March. During the previous year ended 31st March. Right? And had an agriculture income 20 lakh from a land located in Pakistan. He had paid the tax on such agricultural income in Pakistan for which he is not entitled to deduction from tax payable in India. Not correct. Agriculture income from a land located outside India would not be exempt in the hands of resident but chargeable to tax. However, while computing the tax liability, he would be entitled to deduction in respect of tax paid on agricultural income in Pakistan being by force of section 91. Rose LLP UK, business carried out in India against which a demand of 50 lakh rupees is outstanding. The LLP does not have any asset in India and has also closed the business. Tax recovery officer cannot recover such demand by having attachment on the assets located in LLP in UK. Correct. Section 288A as amended by Finance Act 2019, where the assessee in default or is deemed to be in default for making the payment of tax, TRO, if the assessee has property in a country outside India, for recovery of income tax and the corresponding law, forward to the CBDT a certificate drawn up by him, and CBDT may take action thereupon as it deemed appropriate having regards to the terms. Accordingly, if India has an agreement with UK, TRO cannot recover such demand by attachment on the assets located in UK, but he has to forward to CBDT a certificate drawn up by him under section 222. CBDT will then ask the UK government to make the recovery. Sir, देखिए DTAA होता है तो आप directly attachment नहीं कर सकते. दूसरी country, देखिए section 90 का fourth power है recovery of taxes, वो यहाँ पे work करता है. अगर मान लीजिए यहाँ का कोई व्यक्ति tax चोरी करके बाहर चला गया और उस country के साथ हमारा DTAA है, तो यहाँ का जो officer है वो CBDT को अपना एक certificate बना के देगा. CBDT उस country के appropriate authority को बोलेगी कि इससे recover करके दो. आप डायरेक्टली उसके ऊपर अटैचमेंट कर सकते नहीं. हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13, ब्रो इट्स अ होमवर्क, आपको खुद को करना है. क्वेश्चन नंबर 14 भी आप होमवर्क लो, आपको करना है. इजी क्वेश्चन है. Let's come to question number 15. सर क्या होता है आपको पता है क्या? आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उतना ज्यादा आपका माइंड ओपन होता है चीजों को लेकर के. यस, अगर आपने इमेजिन करो DTAA के अगर आपने 15-16 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो नेक्स्ट टाइम आपको एटलीस्ट स्टेप पता रहेगा कि क्या करना है. देखिए क्वेश्चन विल बी यूनिक, डायरेक्ट एक्सेस का क्वेश्चन मेरे भाई यूनिक ही आएगा. तो ये तो बिल्कुल इमेजिन मत करके रख कि भैया क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, वो फिगर बदल देंगे, नाम बदल देंगे, मे बी सिचुएशन और हालात भी बदल देंगे. तो तू ये याद रख कि तेरे को पूरे स्टेप्स याद होने चाहिए कि उसमें निकालना क्या है. राइट, भिड़ते रहे, लड़ते रहे, सारी चीजें बराबर होगी मेरे भाई.
मई 2018 न्यू सिलेबस क्वेश्चन। आप लोगों में से बहुत से बच्चों का मुझे मैसेज आया कि थैंक यू सर, क्वेश्चन एंड डिस्कशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, प्लीज़ जल्दी से इंटरनेशनल टैक्स का भी लाओ। तो सर मैं ये लेकर के आ रहा हूँ, बट आपका मैसेज मुझे एक मोटिवेशन देता है कि हाँ सर ये बहुत अच्छी बात है। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते प्लीज़ उन तक के पहुँचा दीजिए, ये वीडियोज़ उन तक के पहुँचा दीजिए, ताकि वो बच्चे फटाफट क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। चलो आओ, अमृता इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, शी हैज अ इनकम फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इन कोची, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म शेयर है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ रबर एस्टेट इन कंट्री ए विथ विच इंडिया डज नॉट हैव DTAA, विथ होल्डिंग टैक्स भी है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी कुछ दिया हुआ है। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। सबसे पहले इंडियन इनकम एक एक करके देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप से आ रहा है 50 लाख रुपीज़, ये 50 लाख रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा, ये हमने कंसिडर कर दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a), तो ये निल पकड़ा। ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट आया 50 लाख रुपीज़, बराबर। ये हो गई दो बातें। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ रबर स्टेट इन कंट्री ए, ठीक है। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इन कंट्री ए वॉज $10,000, विच वॉज नॉट परमिटेड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री के हिसाब से अलाउड नहीं है, पर हम हमारे लॉ के हिसाब से तो बिजनेस लॉस माइनस कर सकते हैं। सो 10,000 × 64 एग्जैक्ट आपका बिजनेस प्रॉफिट आ गया 43,60,000। फिर आता है आपका एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम फॉरेन से क्या है बेटा, टैक्सेबल है। सो 70,000 × 64 आपका टैक्सेबल हो गया, दिस कम्स टू 44,80,000, बराबर। अच्छा जी, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को हमने क्या कर दिया मालिक, एडजस्ट कर दिया। टोटल आपका आ गया 88,40,000। इसमें से कोई डिडक्शन नहीं है, आप स्ट्रेट अवे टैक्स निकाल सकते हो। असेसी कौन है, अमृता है, एज दीवी नहीं है, तो टैक्स निकाल सकते हो आप। द टैक्स कम्स टू 24,64,500 नॉर्मल तरीके से, बराबर है। 88 है तो 10% का सरचार्ज भी लगेगा, इंटू 10% एड इक्वल टू टोटल आ गया 27,10,950। इसमें 4% का सेस भी ऐड करके टैक्स आ जाएगा 28,19,388। यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को भी सट ऑफ करने का एडजस्टमेंट हम लोगों ने दिया है। अब क्या निकालो, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया निकाल लो, 28,19,388 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम किधर है भाई साहब, 88,40,000। दिस कम्स टू 31.8935%, राइट। फॉरेन कंट्री में हमने टैक्स कितना पे किया है, विथ होल्डिंग टैक्स 10,500। सो 10,500 डिवाइडेड बाय 70,000 × 200 विथ होल्डिंग टैक्स 15% आ गया है क्या, जरा चेक करना दोनों में से जो भी लोअर रहा, इंटू फॉरेन इनकम 15% इंटू 38,40,000। फॉरेन इनकम सर ये 38,40,000 कैसे आया, 70,000 − 10,000 60,000 × 64 38,40,000 आ गया। ये टैक्स पेबल इन इंडिया विच विल बी राउंडेड ऑफ, ये आ गया टैक्स पेबल इन इंडिया विच विल बी राउंडेड ऑफ।
इफ इट इज डन दैट्स इट प्रभु, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 विल बी योर होमवर्क ब्रदर, सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है जो हम पहले भी देख चुके हैं, मई 2019 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन, मई 2016 का क्वेश्चन। आइए प्रॉब्लम नंबर 17 को डील करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 को होमवर्क ले लो, प्रॉब्लम नंबर 18 को होमवर्क ले लो, 17 को डील करते हैं। रविंदर इज अ नॉन रेसिडेंट, हैड मेंटेन्ड हिज परमानेंट हाउस बोथ इन यूएई एंड इंडिया, बट वॉज हैविंग हिज हैबिचुअल एडोब इन यूएई। परमानेंट होम अगर दोनों जगह है तो दूसरी चीज सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट देखा जाता है, तीसरी चीज हैबिचुअल एडोब देखा जाता है। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही हैड इनकम फ्रॉम इंडिया फ्रॉम डिविडेंड इंटरेस्ट कैपिटल गेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर which is not subject to tax under the law in force in UAE. There exists a DTWA between India and UAE. Ravindra claims that none of the income earned by him in India shall be subject to tax in India because the benefit available to him in under the DTWA. Is the contention of Ravindra correct? Depend karta hai. See, ek baat aap samajhiye, entire income exempt nahi hai. जितनी इनकम इंडिया के बिजनेस से आएगी उतनी तो टैक्सेबल रहेगी रहेगी। एज पर सेक्शन 91, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ द अनदर कंट्री इनकम अंडर द लॉ ऑफ इंडियन एंड करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ दैट कंट्री। सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड दैट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट राइट देन इन रिलेशन टू एसएससी The agreement will apply whichever is more beneficial to the assessee. The provision will apply of DTWA or the act whichever is more beneficial to assessee. DTWA does not provide income earned by Ravindra in India are taxable as per the law in UAE. Also, DTWA does not provide that income are not taxable in India. Therefore, income earned in India are taxable in India. UAE mein taxable nahi hai. India mein to taxable hogi. As regards to dividend income, the company, the same is in any case exempt in the hands of recipient under 1034. Now, क्या ये exempt रहेगा? नहीं। ये कट कीजिए। Now taxable. FA 20. Now taxable. ये वर्ड कट कर दीजिए यहां तक। एज रिगार्ड्स टू द इंटरेस्ट इनकम, जस्ट गिव मी अ मिनट, एज रिगार्ड्स टू द इंडियन इनकम इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन इफ कंसेशनल रेट आर प्रोवाइडेड अंडर DTWA विथ UAE, such income would be taxed at concessional rate in the hands of Ravindra. If concessional rate provided under the income tax in respect of interest and capital gain are more beneficial than the rate provided in DTWA, the income would be subject to tax at concessional rate in India. Further, if long-term capital gain arise on account of sale of listed share in the recognized stock exchange, ye word wala bhi aap cut kar dijiye, ye bhi ab koi sense nahi rakhta, ye line bhi aap cut kar dijiye. Therefore, the contention of Ravindra is not correct since the DTWA does not provide for exemption from tax in India. ये दो चीजें हमें कट करनी है, ये दो चीजें कट कर दीजिए।
सो 18 इज योर होमवर्क. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 मई 2010 का दिया हुआ है भाई साहब. इसके अंदर में विक्रम एज 70 ईयर रेसिडेंट इन इंडिया रिसीव्ड अ डिविडेंड. डू वन थिंग, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी, डू इट योर होमवर्क. ईजी वन, ईजी वन. रिलीफ अंडर सेक्शन 91 का क्वेश्चन है, ईजी है, होमवर्क करिए. सो इसी के साथ साथ हमारा DTAA का क्वेश्चनेयर डिस्कशन भी क्या होता है मालिक, ओवर होता है. कुछ चीज़ें मैंने आपको जो होमवर्क दी है, ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसके फिगर और वर्ड्स थोड़े से बदल दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हो, होमवर्क में कर सकते हो. आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक के पहुँचाते रहिए और खुद भी इसका फ़ायदा लेते रहिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर.